हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको दिखाऊंगा माइक्रोमैक्स Q350 लोगो हैंग को कैसे ठीक करते हैं। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का हैंडसेट है और जिसका मॉडल नंबर है Q350। और गाइस, इसका प्रॉब्लम है ये माइक्रोमैक्स लोगो आके अटका रहता है। तो आइए देख लेते हैं गाइस, इसको ठीक करने के लिए आपको इस मोबाइल को फ्लश कर देना है सिंपली, और फ्लश फाइल डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट मोबाइल कंटेंट्स के लिए घंटी बटन को भी प्रेस कर देना। हाँ गाइस, देख लेते हैं, ये यहाँ पे आके थक जाता है, तो इसको कैसे ठीक करते हैं देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले आपको इस मोबाइल का फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स Q350 ये वाला वर्जन। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, वेट कीजिए तब तक। और देख सकते हैं मोबाइल अभी भी अटका हुआ है लोगो पे। ये देख लीजिए। और गाइस, इस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए आपको इसका फ्लैश टूल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस, ये आगे जाता नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, फिर से रीस्टार्ट होगा, नहीं तो यहीं पे अटकता रहता है। सिंपली इसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लैश टूल को ओपन कर लेना है, ठीक है। फ्लैश टूल और उसके बाद स्विच पे क्लिक करना है, फ्लैश टूल के करने के बाद आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं ये मोबाइल फिर से रीस्टार्ट हो गया है, अभी मैंने डेस्कटॉप पे रखा है डाउनलोड करके, तो मुझे फ्लैश फाइल के अंदर जाना है। जाने के बाद फर्मवेयर में जाना है, ठीक है। जाने के बाद ये देख सकते हैं 6580 स्केटर फाइल, इसको लूट कर देना है। लूट करने के बाद सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, करने के बाद मोबाइल को ऑफ कर देना है और वॉल्यूम माइनस प्रेस करके यूएसबी को लगा देना है, ठीक है। मैं अभी लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये फ्लैश हो रहा है गाइस। और जब तक फ्लैश कंप्लीट ना हो तब तक आप वेट कीजिए, और फ्लैश कंप्लीट हो जाने के बाद सिंपली यूएसबी केबल को खोल दीजिए मोबाइल से, और बैटरी एक बार खोल के फिर से लगा के ऑन कीजिए, और आपका मोबाइल रेडी हो जाएगा।
ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, थोड़ा सा वेट कीजिए तब तक, जब तक कंप्लीट ना हो तब तक वेट कीजिए। हाँ गाइस, ये कंप्लीट हो गया है। अभी मोबाइल से यूएसबी खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सिंपली बैटरी एक बार निकल के फिर से लगाना है। लगाने के बाद सिंपली मोबाइल को पावर ऑन की कर दीजिए। तो देख सकते हैं अभी ले रहा है। पहले यहाँ पे आके थक जाता था और गाइस फ्लश कर दिया है। अभी चेक करते हैं। गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सो आपको वेट करना है थोड़ा सा। और गाइस इस प्रोसेस में आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपका बैटरी 50% से ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। कोई भी मोबाइल के फ्लैश करने के लिए आपको पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है। बैटरी का चार्ज कम होने से फ्लैशिंग में कुछ एरर आ सकता है, तो आप बैटरी को मैन्युअली भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ गाइस ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा। हाँ गाइस आप देख सकते हैं मोबाइल सीधा ऑन हो गया है। ठीक है, अभी सेटअप कर देते हैं। और गाइस वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। Thank you.
हाँ अभी पासवर्ड डाल दिया है मैंने, अभी वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, तेरी FRP आ गया। ठीक है गाइस, इसको FRP को भी रिमूव करते हैं जस्ट वन क्लिक में। सो गाइस, टू रिमूव FRP फ्रॉम माइक्रोमैक्स q350 जस्ट गो टू योर फ्लैश फाइल। ओके, जस्ट गो टू फ्लैश फाइल और फर्मवेयर में जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे एंड्रॉइड स्केटर फाइल दिखेगा, ठीक है। राइट क्लिक करना है। करने के बाद ओपन विद वर्ड पेट। ओके गाइस, वर्ड पेट एंड यहाँ पे आपको कीबोर्ड में दबाना है कंट्रोल एफ, यानी के फाइंड में जाना है। देखते हैं यहाँ है कि नहीं, यहाँ नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एफ देख सकते हैं, अभी यहाँ पे आ गया फाइंड, ठीक है गाइस। अभी आपको यहाँ पे टाइप करना है FRP। ओके, अभी फाइंड नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। इसको आप कैंसिल कर देना है और गाइस ये FRP ऐसा सिलेक्ट हुआ आ जाएगा। आने के बाद देख सकते हैं लाइनर स्टार्ट एड्रेस, इसको कॉपी करना है और गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली फ्लैश टूल में जाना है, फिर से फ्लैश टूल ओपन कर लेना है और फ्लैश टूल ओपन करने के बाद फिर से स्विच पे क्लिक करके स्केटर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। अब इसको छोड़ो, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद मैनुअल फॉर्मेट फ्लैश, इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद बिगिन एड्रेस, इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है और FRP के स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करके बिगिन एड्रेस में पेस्ट करना है। कॉपी नहीं हुआ शायद गाइस, फिर से कॉपी कर लेते हैं। हाँ हो गया। अभी पार्टीशन साइज, ठीक है गाइस, इसको नहीं, इसको छोड़ देना है, इसको नहीं, इसको पार्टीशन साइज। ओके, जस्ट कॉपी कर लीजिए। करने के बाद फॉर्मेट लेंथ, इसमें पेस्ट कर देना है, इसको डिलीट कर लीजिए और उसके बाद पेस्ट कर दीजिए। आ गया, ठीक है। अभी वर्ड पेट को क्लोज कर दीजिए। करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। करने के बाद आपको मोबाइल को ऑफ कर लेना है,
देख सकते हैं ये अभी भी FRP पे अटका हुआ है, ठीक है। और अप कर दीजिए, अप करने के बाद आपको क्या करना है, वॉल्यूम माइनस प्रेस करके USB लगा देना है, ठीक है गाइस। वॉल्यूम माइनस प्रेस करके USB लगा देना है, ठीक है। हाँ मैंने लगा दिया और ये हो गया है, FRP रिमूव भी हो गया है, ठीक है। अभी USB केबल को खोल देना है, खोल लीजिए और बैटरी फिर से एक बार रिमूव कर लीजिए। करने के बाद नॉर्मली मोबाइल को ऑन कर दीजिए पावर की दबा के, और उसके बाद देख सकते हैं आपका FRP चला जाएगा, ठीक है गाइस। ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, सो वेट कीजिए तब तक। अभी स्केपेबल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप माइक्रोमैक्स q350 लोगो हैंग का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जस्ट सिंपली फ्लैश फाइल डाउनलोड करके उसको फ्लैश कर देने से। और गाइस अगर FRP आ गया है तो नॉर्मली आप इसको फ्लैश फाइल के अंदर जाके FRP एरिया सिलेक्ट करके जस्ट वन क्लिक में इसका FRP आप रिमूव कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बॉक्स के ज़रूरत नहीं पड़ेंगे आपको। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है गाइस, क्योंकि इसमें FRP आ गया था। सो गाइस देख लेते हैं अभी FRP है कि नहीं, यानी कि गूगल अकाउंट वेरीफाई मांगता है या नहीं, देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है गाइस, सो आपको वेट करना है। ये दिखाता है 2 मिनट गाइस, ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है सम टाइम। सो स्किप पे क्लिक कर दीजिए अगर स्किप आ गए तो। और गाइस देख सकते हैं नॉट नाउ नेक्स्ट, एंड इसको डिजेबल कर दीजिए और उसके बाद स्किप एनी वे क्लिक कीजिए। हाँ गाइस मैंने एक गोली में 2 शिकार करके आपको दिखाया है, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और गाइस वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।